देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अ लेबरर इज एंगेज फॉर 20 डेज ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 120 रुपीज फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड विल बी फाइन 10 रुपीज फॉर ईच डे ही एब्सेंट इफ ही रिसीव्स 1880 इन ऑल फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट। देखिए एक लेबर को 20 डेज के लिए रखा गया है वर्क पर कि आपको 20 डेज वर्क करना है और उसको रिसीव होंगे 120 रुपीज जितने दिन वो वर्क करेगा उसके। जैसे वन डे किया तो 120 रुपीज, टू डेज किया तो 120 की टू से मल्टीप्लाई जितने दिन भी वो वर्क करेगा, और 10 रुपीज उस पर फाइन लगेगा जितने दिन वो एब्सेंट रहा तो वो पैसे माइनस होंगे, और उसको ये अमाउंट उसको मिला है तो हमें ये बताना है कि कितने दिन वो एब्सेंट रहा। वेरी सिंपल, आप सबसे पहले क्या करें, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसे ही एक्सलेक्ट कर लें। तो आओ क्या क्या पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट। तो आप कहोगे कि लेट द नंबर ऑफ डेज ही रिमेन प्रेजेंट नहीं, आप एब्सेंट लेट करो, ठीक है। ही रिमेन एब्सेंट, कितने दिन वो एब्सेंट रहा, मैंने एक्स लेट कर लिया कि एक्स डेज रहा। तो आप मुझे ये बताइए कि वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, ही रिमेन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कितने दिन रहा, अरे टोटल डेज कितने थे 20, उसमें से एब्सेंट माइनस कर दो तो ये जो बचा है वो प्रेजेंट डेज बचे हैं कि इतने दिन वो प्रेजेंट रहा होगा। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 रुपीज ईच डे ही वर्क, तो ये रुपीज कितने दिन वर्क किया उसने, उसने किया है 20 माइनस एक्स डेज वर्क, तो इतना टोटल अमाउंट तो उसको मिलता, लेकिन क्योंकि फाइन था बीच में तो वो अमाउंट माइनस होगा, तो क्या माइनस होगा, 10 रुपीज फॉर ईच डे ही डिडंट वर्क, कितने दिन काम नहीं किया उसने, एक्स डेज काम नहीं किया क्योंकि वो एक्स डेज एब्सेंट था, तो ये टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है उसका माइनस करने के बाद, इतना। अब आप इसको सॉल्व कर दें, तो 120 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24 00, 120 की x से मल्टीप्लाई माइनस का 120x और माइनस का 10x इक्वल्स टू 1880। अब ये सॉल्व कर लो वेरिएबल वाले, तो 2400 माइनस का 130x इक्वल्स टू 1880। सॉल्व करें और इस कांस्टेंट टर्म को इधर ला रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, और इस वेरिएबल टर्म को माइनस की इस तरफ जम करा रहे हैं तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। माइनस करें 2400 में से 1880, आप साइड से करके देख लेना, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और 3 बचा 13 हो गया, 13 में से 8 गए, कितना बचा 5 इक्वल्स टू 130x। हमें x निकालना है तो x इक्वल्स टू 520 अपॉन 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 से 4 टाइम्स, 13 4 जा होता है 52, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। बट व्हाट वाज x, क्या था x, x देखो क्या था, ये था कितने दिन एब्सेंट रहा, तो भाई 4 दिन रहा, तो आप सॉल्यूशन में लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे कि ही रिमेन एब्सेंट, ये तो पूछा था, ही रिमेन एब्सेंट फॉर 4 डेज, दैट्स अवर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं।